हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस ममता के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नवयुवकों की एक समस्या को एड्रेस कर रहा हूं, एक समस्या के बारे में बात करने वाला हूं और ये समस्या चार शब्दों से बनी है। समस्या है, कुछ खाया पिया नहीं लगता। मैं खुद एक डॉक्टर हूं और डेली बेसिस पर ऐसे बहुत सारे नवयुवक मेरे पास आते हैं जिनका बैठने के बाद अपनी समस्या को लेकर बस यही कहना होता है, डॉक्टर साहब कुछ भी खाया पिया नहीं लगता है, मैं मोटा होना चाहता हूं पर मोटा नहीं हो पा रहा हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस समस्या के बारे में बात करूंगा, समस्या की जड़ के बारे में बात करूंगा, समस्या क्यों होती है और इसका आयुर्वेदिक समाधान बताऊंगा। दोस्तों, मैं कोई आपको मंत्र कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, एक आयुर्वेदिक समाधान यानी कि एक बिल्कुल आदर्श व्यवस्था पत्र, जैसे डॉक्टर का पर्चा होता है ऐसा ही बताऊंगा। तो जो मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं और इस परेशानी से परेशान है तो साथ में पेन पेंसिल और कागज लेकर बैठे ताकि वो ये प्रेस्क्रिप्शन नोट कर सके। तो बात कर रहे हैं हम कि कुछ खाया पिया नहीं लगता। जानते हैं कि ये समस्या होती क्यों है और नई उम्र के लड़कों को तो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो गाइज, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो है आंतों पर सूजन का होना। वजह और भी है लेकिन ये आंतों पर सूजन होने की वजह बहुत बड़ी है। अब मैंने कह दिया आंतों पर सूजन है और आपने सुन लिया, अब आप सोच रहे होंगे आंतों पे सूजन क्यों आती है, उसके बारे में अलग से बात हो जाएगी। फिलहाल हम इस सूजन की स्वेलिंग की ही बात कर लेते हैं। एक आम आदमी के लिए जो चीज सिर्फ स्वेलिंग या सूजन होती है, डॉक्टरी विज्ञान के अनुसार वो इंफ्लामेशन होता है। यह एक शब्द होता है जो डॉक्टरी के साइंस में, मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये इन्फ्लामेशन क्या है इसकी परिभाषा से आपको बोर नहीं कर रहा हूं, बस पांच आपको इसके कार्डिनल साइन यानी मुख्य चिन्ह इसको बताए दे रहा हूं, इसके आप नोट कर सकते हैं। और वो पांच साइन क्या है, जब किसी अंग में या किसी भी शरीर के हिस्से में इन्फ्लामेशन हो जाए तो वहां पर आपको पांच प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। सबसे पहले उसमें पेन यानी दर्द होता है, दूसरे उसमें रेडनेस यानी लालीपन आ जाती है यानी हल्का सा लाल हो जाता है, ज्यादा लाल भी हो सकता है। तीसरे इंफ्लामेशन का जो चिन्ह है वो है सूजन। चौथे इंफ्लामेशन का जो चिन्ह है वो है जलन। ये चार चिन्ह मैंने आपको बता दिए, जलन, सूजन, लाली का हो जाना और दर्द का। पांचवा नहीं बताया। अब पांचवा इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ही बात आपकी सारे सवालों के जवाब दे देगी। वो क्या बात है, पांचवा जो साइन होता है इंफ्लामेशन का वो होता है लॉस ऑफ फंक्शन, यानी जिस अंग में इंफ्लामेशन होगा उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वो अपना काम नहीं करेगा। तो दोस्त, अब आप समझ गए कि जिस अंग में इंफ्लामेशन होगा उसमें ये पांच साइन दिखाई देंगे, जिसमें से एक साइन है कि वह अपना कार्य करना छोड़ देगा। अब आंतों का अपना कार्य छोड़ देने का मतलब क्या है, यही है कि कुछ अच्छे से अवशोषण नहीं हो पाएगा, जो खाएंगे वो मल के साथ निकल जाएगा, तो फिर खाया पिया लगेगा कैसे। तो दोस्तों, ये बड़ी समस्या है। तो ये जो आंतों का इंफ्लामेशन है, जिसे आम भाषा में आप सूजन समझ रहे थे, आमतौर पर बहुत सारे लड़कों में देखने को मिलता है। अब आपको एक छोटी सी लाइन में यह भी बताए दिए चलता हूं कि ये इंफ्लामेशन आंतों में इतना कॉमन क्यों है, आखिर क्यों सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, बहुत बहुत सीधी सी वजह है, हम जो खा पी रहे हैं वो सबसे पहले कहां जा रहा है, आंतों में जा रहा है, पेट में जा रहा है। तो जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस खाने के साथ गया वो आंतों पर जाकर अपना प्रभाव दिखाएगा और आंतों में इन्फ्लामेशन पैदा करेगा, जिसे आप आंतों की सूजन कह रहे हैं, और अंततः वो लॉस ऑफ फंक्शन
कर देगा, यानी आंतों से कुछ अवशोषित नहीं हो पाएगा और आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कुछ खाया पिया नहीं लगता। तो जरूरत है के आंतों की इस सूजन को दूर किया जाए। दोस्तों यूं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह बताई जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको ना कीजिए, उन्हें भी कीजिए, परंतु आप ये आयुर्वेद का जो चिकित्सा पत्र मैं आपको बता रहा हूं ये लिखकर कीजिए और 3 महीने 4 महीने तक लगातार कीजिए, आपको रिजल्ट्स इसके दिखाई देंगे। तो मैं आपको बताई देता हूं, तो आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल एकदम वैसे ही प्रेस्क्रिप्शन मैनर में बता रहा हूं जैसे डॉक्टर बताता है। तो एक होती है शंख भस्म, एक होती है पंचामृत परपटी। ये दो चीजें मैंने आपको बताई, इनके 250 मिलीग्राम आपको सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। तीसरी चीज है एक चूर्ण, दाढ़ी माष्टक चूर्ण का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो नोट कर लीजिए, दाढ़ी माष्टक चूर्ण। आयुर्वेद में चूर्ण की जो मात्रा बताई गई है वो 3 ग्राम बताई गई है, तो दाढ़ी माष्टक चूर्ण आपको 3 ग्राम सुबह शाम लेना है। तो तीनों चीजें नोट हो गई हैं, शंख भस्म, पंचामृत परपटी 250 मिलीग्राम है और दाढ़ी माष्टक चूर्ण 3 ग्राम है, ये तीनों चीजें सुबह शाम है। इसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है अवलेह का। ये जो बेल, पत्थर बेल भी कहते हैं, उसका अवलेह होता है, ये 15 ग्राम अवलेह आपको इस्तेमाल करना है। दूध से, बाजार से बना बनाया मिल जाता है, आप चाहे मुझसे भी मंगा सकते हैं सारे नुस्खे। तो ये 15 ग्राम आपको अवलेह इस्तेमाल करना है, ये आप 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो चीजें, 3 शुरू में बताई मैंने, एक आपको ये बिल्वावधि लेह बताया, यानी बेल का अवलेह होता है। अब उसके बाद तीसरी चीज आपको मैं बता देता हूं, ये होता है दोस्तों तक्रारिष्ट, तक्र का बना हुआ ये अरिष्ट होता है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। इसकी 20 ml मात्रा दोनों समय खाने के बाद बराबर मात्रा में जल मिलाकर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और है और वो है एरंड का तेल। एरंड का तेल आपको 10 ml से लेके 20 ml, डिपेंड करता है, आप दोनों में से कोई भी मात्रा चुन सकते हैं अपने शरीर के भार के अनुसार। 10 ml से 20 ml आपको सोने से पहले इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये पूरा व्यवस्था पत्र है जो आपके सामने है। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, एक एडिशनल चीज और जोड़ रहा हूं, और वो है चित्रकादी वटी। ये 2 गोली सुबह शाम भी आपको इस्तेमाल करनी है। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो गया होगा, तो उसमें बात घबराने की नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा या फिर आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो मेरी आज की वीडियो है वो नवयुवकों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली होगी स्वास्थ्य का। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, मैं खुद भी नुस्खे बनाता हूं, अगर आप चाहें तो मुझसे कोई नुस्खा अपनी समस्या बताकर मंगा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।